थप्पड़ की गूंज उन सारे गुनाहों का हिसाब कर देती है जो सीरियल्स में विलन करने की कोशिश करता है। और जब बात अपने पति पर आती है तो पत्नी व्रता पत्नी अपने पति के सम्मान के लिए किसी भी जोरदार थप्पड़ जड़ सकती है। मेरी जगह उस नौकर से शादी करके तुम्हें कुछ फायदा हुआ? Don't you forget that I rejected you. सुना तुमने? I was the one to reject you. एक बात याद रखना, आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, अगर मुझे तुम में और रागों में किसी को चुनने का मौका मिला होता ना, तो यहाँ जीत रागों की हुई। कुछ ऐसा ही किया राघव की नैना ने। वीर राघव के खिलाफ क्या बोल पड़ा, नैना ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जो बातें नैना राघव को समझकर बोल रही थी वो वीर ने थोड़ी सी सीरियसली ले ली और फिर क्या थप्पड़ की कहानी शुरू हो गई। नैना का दिमाग और आउट होता है, वो पीछे घुमाती है, देन शी स्लैप्स मी। थप्पड़ खाने के बाद वीर का जो गुस्सा आता है उसने अभी तक निकाला नहीं है नैना को, पर आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो बहुत जल्द निकालने वाला है। लेकिन इस कहानी से पहले एक रोमांटिक मोड भी आया जो नैना और राघव के बीच हुआ। रंगोली के रंग प्यार के रंग बन गए। संजना और वीर की शादी की रस्मों के बीच दादी बन गई है नैना और राघव की लव क्यूपिड। और साथ ही साथ संजना का ये अवतार भी देख लीजिए जो एकदम बप्पी लहरी से मैच कर रहा है, गोल्डन ब्यूटी वाला लुक। अकॉर्डिंग टू अर्जुन मैं गोल्डन ग्लोब बनी हुई हूँ, जिसे एक ट्रॉफी है जो उसे मिल गई है। पता नहीं क्या जोक है। हाँ बट मैं बहुत ही ज़्यादा गोल्डन हूँ। Somebody is calling me बप्पी लहरी टुडे, सो आई डोंट नो, बट आई एम टू गोल्डन टुडे। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट।